कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। एक और बार आ गया हूँ नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स। वीडियो बहुत दिनों में आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। एंड इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक एम्पलीफायर जो कि मैंने असेंबल किया है 200 वाट के अंदर। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स जो हमारा एम्पलीफायर है वो कुछ इस तरीके से है, जो उसका लुक है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से लुक है। 200 वाट का ये हमारा एम्पलीफायर है जो कि आपके 12-12 इंच के दो आपके कॉलम आराम से बजा सकता है, वो भी अच्छे साउंड के साथ। तो फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर मैंने 200 वाट की अपनी स्टीरियो बोर्ड यूज़ किया है जो कि हमारा मॉसफेट के अंदर है फ्रेंड्स। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर अंदर से इसका व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको जो है असेंबल किया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ओपन करते हैं। एंड इसका जो चेसी है वो 18 गेज के अंदर इसकी चेसी है, 18 या 16 गेज के अंदर इसकी चेसी है फ्रेंड्स, जो मजबूत चेसी यूज़ करी है मैंने। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका कुछ लुक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है वो आप देख सकते हैं, वो 5200 और 1943 में 200 वाट के अंदर बोर्ड है फ्रेंड्स। और बाकी जो मैंने इसमें बेस टेबल के लिए हमने बोर्ड जो यूज़ किया है वो 4558 में जो 3 IC में हमारा बेस टेबल का बोर्ड आता है सिंपली, वो यूज़ किया है फ्रेंड्स। और वो बाकी 3030 5 एम्पियर में हमारा ट्रांसफार्म है। एंड जो हमारा ये हमारी पावर सप्लाई है फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई हमारी जो है वो 4 कैपेसिटर में है। तो जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 50 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेरेड में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई है। अगर आपको पावर सप्लाई नहीं बनानी आती है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूँगा फ्रेंड्स किस तरीके से हमारी पावर सप्लाई बनाई जाती है। और बाकी जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है उसके लिए मैंने अलग से जो हमारा मॉड्यूल है या चार्जिंग मॉड्यूल आता है, हमारा चार्जर कह सकते हैं, चार्जर लगाया है यहाँ पर मैंने, तो जिससे कि हमारी जो हमिंग प्रॉब्लम है वो नहीं आती है एम्पलीफायर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मोटा मोटा हिसाब है वो इस तरीके से है, आप घर पर आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं भी आता है बनाना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर बनके रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो एम्पलीफायर है हमारा यहाँ पर मैंने रेडी किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक फ़ैन भी दिया है जो कि हमारा 3 इंची के अंदर फ़ैन है, तो जिससे कि हमारी जो हीट सिंक है गर्म होती है, हीट होता है हमारा एम्प, वो इसको कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। तो यहाँ पर मैंने RC सॉकेट नहीं दिए हैं क्योंकि मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप RC सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं अपने इनपुट के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर हैगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में मुझे बताइए कि किस कैसा लगा एम्पलीफायर, और इसका साउंड टेस्ट मैं आपको दे देता हूँ, और चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड साउंड टेस्ट करने के लिए जो इसकी मेन लीड है वो हम अपनी बोर्ड में लगा देते हैं, और बोर्ड में लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा एम्प है वो हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है फ्रेंड्स वो ऑन हो गया है, एंड इसमें जो हमारी लाइट है वो ग्लो हो चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा हटाता हूँ स्टैंड से। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड है उसके अंदर रेड लाइट ग्लो हो रही है, एंड फ्रंट से भी आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लूटूथ पैनल है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके अंदर स्पीकर के वायर कनेक्ट करते हैं एंड इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं हम, एंड हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है फ्रेंड्स। हम सारी चीज़ डाउन कर देते हैं इसकी बेस टेबल, ये बेस टेबल मैंने यहाँ पर डाउन कर दिए
और ये फ्रेंड्स हमारा बैलेंस का, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो सॉन्ग प्ले किया था एनसीएस सॉन्ग पर, इसका जो साउंड है फ्रेंड्स बहुत ही क्लियर साउंड है, और इसकी जो वॉइस है वो मैंने 50% ही कर रखी थी जब इसका साउंड इस तरीके से परफॉर्मेंस इसका आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इससे भी ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं अगर इस एम्पलीफायर से, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 30-30 5 एम्पियर में ट्रांसफार्म यूज़ किया है, और जो कैपेसिटर है आप इन्हें ज़्यादा वोट के भी लगा सकते हैं, बड़े कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा हमारा जो बेस क्वालिटी होगी वो और इम्प्रूव हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कोई भी एम्पलीफायर बना सकते हैं। मैं इसका जो रेट है अगर आपको मोटा मोटा रेट बता दूं कि कितने प्राइस में आपका ये घर पर तैयार हो जाएगा, तो मुश्किल से भी आपके 3-3 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, 25-3 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3000 के खर्चे में आपका 200 वाट का। अगर मार्केट से आप परचेज करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आपको 5000 रुपये तक का ये एम्पलीफायर मिलेगा। इससे बेटर है आप घर पर ही बनाएं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करें, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow.